जनपद संभल के नगरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन एवं एनजीटी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संचालित डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन को 30 मिनी टिपर तथा ट्राईसाइकिल रवाना कर दी गई। प्रत्येक ट्राईसाइकिल पर 40 लीटर क्षमता की 8 डस्टबिन में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्र किया जाएगा। जनपद संभल के नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष पति हाजी शकील अहमद, संचालक अरविंद गुप्ता, उदित सांखेदार व मैनेजर निर्मित शर्मा ने मिनी ट्रिपर व ट्राई साइकिल को हरी झंडी दिखाकर कूड़ा कलेक्शन कार्य का शुभारंभ किया। सफाई मित्र डोर टू डोर जाकर कूड़ा एकत्र करेंगे। नगर पालिका के ईओ रामपाल सिंह ने बताया कि सोमवार से नगरी क्षेत्र में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग इकट्ठा किए जाने का काम शुरू होगा। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में जनता से सहयोग करने की भी अपील की। और आपका जो मियाँ सराय में है वहाँ पे भी एक मशीन लगा रहे हैं हम, जिसकी छटाई होगी और इंशाल्लाह शहर को फायदा होगा। देखिए, हमारी सोच से शहर के गंदे पानी का इंतजाम किया हमने, पानी की निकासी की। आपको देख रहे हैं 70% कब्रिस्तानों में पानी गंदा खड़ा रहता था। आज हमारी इस अच्छी सोच से, बढ़िया नीति से, हमारी चेयरमैन ने, हमारी पालिका ने हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया। इसके साथ साथ जो पीने वाला पानी है घर घर पहुँचाने का काम किया। लोग कोर्ट के अंदर देखिए, आगे आप सर्वे किए कि संभल के अंदर कोर्ट ऐसी जगह है कि वहाँ पे पानी की इतनी किल्लत रहती थी ठिकाने में। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी पालिका ने हर घर पे पानी पहुँचाने का काम किया है। 300 फीट गहराई से पानी निकाल कर पहुँचाने का काम किया। कहीं समस्या आती है, हम लोग चेयरमैन के साथ रहते हैं इंशाल्लाह, और हम लोग उसका साथ देते हैं। देखिए, हम एक ही अपील करना चाहते हैं शहरवासियों से कि कूड़े को अब जो है बाहर न डालें। कूड़ा जो है, जब हमारी ये गाड़ियाँ घूमेंगी, अनाउंसमेंट होगा, तो इसके तहत ही कहाँ चलें, ये गाइडलाइंस दी जाएगी है, उसके तहत चलें। उसके तहत चलेंगे तो इंशाल्लाह शहर बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएगा।